देखिए, हिमाचल में हमारी शानदार जीत हुई है और गुजरात में कांग्रेस के तमाम विघटनकारी जातिगत वैमनस्य से उत्पन्न करने वाले और अत्यंत निचले स्तर के बयानों को देकर चुनावी विमर्श को बहुत निम्न स्तर पर ले जाने के समस्त प्रयासों को निष्फल करते हुए गुजरात में भी हमें शानदार और अच्छी सफलता हासिल हुई है। इसे मैं विकास की जीत मानता हूँ, विभाजनकारी जातिवादी राजनीति की पराजय मानता हूँ और जनता के द्वारा सकारात्मक राजनीति को दिया गया एक शुभ संकेत मानता हूँ। जिस ढंग से गुजरात में सीट कुछ घटी है, इसको आप क्या कारण मानते? देखिए, मेरा ये कहना है कि 22 साल सरकार में रहने के बाद और इस इलेक्शन में जिस प्रकार का लोअर डिस्कोर्स कांग्रेस ने बनाया, मतलब जिस प्रकार का निम्न स्तर का बयान, जिस प्रकार का जातिगत उन्माद पैदा करने का प्रयास, इन सब के बावजूद हमें इतनी सफलता मिली है, ये निश्चित रूप से एक अच्छा संकेत है। हिमाचल में आपको जीत मिली है, कांग्रेस की सरकार थी, ये एक पे एक फ्री? देखिए, मेरा ये कहना है कि जहाँ कहीं भी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, वहाँ जनता निर्णायक रूप से भाजपा को सत्ता में ला रही है और जहाँ हम सत्ता में हैं वहाँ जनता हमारे कामों पर मोहर लगा रही है। ये कहीं ना कहीं भाजपा की नीतियों, भाजपा की विचारधारा और श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री के रूप में अपार लोकप्रियता का प्रमाण है।